ये देखो पूरी छत पर कैसे पानी पानी भर गया। ये मैंने चिड़िया वगैरह रखा था और ये देखो कितना पानी पानी भर गया, बहुत ज्यादा बारिश और ये यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से पानी देखो मैं दिखाती हूँ बाहर से कैसे निकलता है एक पाइप। बिल्कुल खेतों में भी पानी पानी बहुत ज्यादा बारिश हो गया। देखो कैसे पानी नहीं लग रहा, क्योंकि कूड़ा भर गया निकालते हैं उसको से। अब भी बादल लगे हुए देखे, बहुत ज़्यादा बादल लगे हुए, अब गर्मी बहुत ज़्यादा थी कल, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और ये देखो कैसे निकलता है पानी, और फिर छिटे हुए पानी निकलता। और ये देखो सामने वाला शोरूम का कपड़ेगा उसका जो ये बोर्ड है वहाँ पे लगा हुआ था खंभे के पास में, इसमें लाइट जलती थी। ये देखो कहाँ पड़ा है ये, यहाँ पर इतनी दूर आकर पड़ा। और जो इनके टीन के वो थे, जिसको टीन के टुकड़े थे ऊपर छत पर पड़े थे, ये भी नीचे आगे गिर गए। शुक्र मैंने रात टैंक भर दिया था, नहीं तो मेरा टैंक भी तो भाग जाता था। और ये देखो ये पिछले टीन का टुकड़ा आया उड़ कर रहा यहाँ पर पड़ा हुआ। कोई भी चल ही रहा है इसमें पानी भर रहा है। देखो ये लौकी का जामबा लगाया था मैंने लकड़ी का, ये नहीं उड़ा, ये जू का तो फंसा रहा है ऐसे ही। ये उड़ के नहीं भाग गया क्योंकि ये वहाँ भी लोहे में फंसा हुआ और इधर दीवार में फंसा हुआ है। बहुत ही भयंकर तूफान था और सुंडी बहुत लगी हुई इनके पुरुष से भी सारे पहले इसके पत्ते। और ये देखो बिल्कुल गंदा कर दिया, तो सुंडी लगी हुई है बहुत ज़्यादा। और ये देखो कितने पेड़ पौधे छोटे छोटे चल ही रहा लगातार। उनके खेत में हट गए और आम बिल्कुल भी नहीं छोड़ता होगा, एक भी आम नहीं छोड़ता होगा पेड़ों से, क्योंकि इतना भयंकर तूफान था बिल्कुल गंजे कर दे रहा आम के पेड़ भी। अब दोबारा आम की फसल देखने को भी नहीं लगेगी क्योंकि इधर साइड एक भी आम नहीं छोड़ता, सब इतना तूफान आया
सब तोड़ दिए। देखो कैसे चल ही रहा है, ये लगाने से निकाल हम अंदर चले गए।